नमस्कार, एक और में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह रजावत। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो जान पाएंगे कि पत्रकारिता कैसे करें और पत्रकारिता का प्रेस आईडी कार्ड हम कैसे प्राप्त कर सकें, वो भी वैलिड तरीके से और विश्वसनीय मीडिया के साथ। आरएनआई से रजिस्टर्ड प्रेस आईडी कार्ड कैसे प्राप्त करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप गूगल पर जाएं और वहां पर सर्च करें ई खबर प्रेस आईडी कार्ड, तो आपको एक लिंक खुलेगा www.ekhabar.in। वहां पर जाइए, एक फॉर्म में स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, यानी चरण प्रथम, चरण द्वितीय, चरण तृतीय में पूरी जानकारी दी हुई है। वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म को कैसे भरना है, संबंधित दस्तावेज क्या क्या चाहिए, उसकी कंप्लीट जानकारी है। जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, या आपकी मार्कशीट, या आपका बायोडाटा कैसे लगेगा, ये सारी जानकारी वहां पर है। इसके अलावा प्रेस आईडी कार्ड आपको कितने दिन में प्राप्त होगा, लगभग 10 दिन का समय लगता है, और कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए आपको 10 खबरें भेजना अनिवार्य होता है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार साथी हैं और मीडिया में डिजिटल मीडिया का महत्व के साथ साथ आरएनआई रजिस्टर्ड मीडिया का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब भी आप जिले में काम करते हैं और आपका समाचार पत्र, पत्रिका या चैनल आरएनआई से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां के डीपीआरओ, जिला जनसंपर्क अधिकारी या शासकीय कर्मचारी आपको एंटरटेन नहीं करते, आपको वो तवज्जो नहीं देते हैं, और उसी के कारण आपका ये प्रेस आईडी कार्ड वैलिड नहीं होता। लेकिन ई खबर डिजिटल मीडिया लगातार 11 वर्ष से काम कर रहे, राजधानी खबर राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक है, जिसका आरएनआई नंबर डिटेल में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंडिया वाणी एक ऐसी पॉपुलर मैगजीन है जो देश और दुनिया में मासिक पत्रकार के रूप में एक अच्छी भूमिका निभाती है। तीनों मिलाकर एक मीडिया हाउस बनाते हैं, ई खबर डिजिटल मीडिया, जहां पर उनका दैनिक पेपर, मासिक पत्रिका और डिजिटल पोर्टल है। कुल मिलाकर एक ऑथराइज मीडिया हाउस है जो देश और दुनिया में लगातार काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि कहां कहां काम करता है। देश के 28 राज्य और 9 टेरिटरी में ई खबर डिजिटल मीडिया काम कर रहा है। कितने लोग इसमें काम करते हैं, तकरीबन 6000 वॉलंटरी लोग इसमें काम करते हैं, चाहे वो संवाद सूत्र के रूप में हो, वीडियो रिपोर्टर के रूप में हो, रिपोर्टर के रूप में हो, या ब्यूरो के रूप में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ई खबर से जुड़कर वो काम कर रहे हैं और लगातार हमें खबर भेजते हैं। वो खबरें किस रूप में होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, लिखित में हो, या वीडियो फॉर्मेट में हो, वो हमें भेजकर लगातार अपडेट होते रहते हैं, खबरें देते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पाठक भी लगातार खबरों से अपडेट रहते हैं। 24/7 लगातार ई खबर खबरें भेजता है और कोशिश करता है कि आपकी खबर जो का त्यों पब्लिश की जा सके। अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे विचारक हैं, तो भेजिए, हमें खबरें भेजिए, हम आपकी खबरें प्रकाशित और प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रेस आईडी कार्ड कैसे प्राप्त होगा। आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, आपने खबर भेजना प्रारंभ कर दिया, खबरों की पुष्टि होने के बाद आपका एक वीडियो केवाईसी होगा, जहां पर आपका इस तरह से वीडियो एंट्री हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रेस आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट का भी प्रावधान है, जिसमें आपको 10 खबरें भेजनी पड़ती है, वो एक स्किल टेस्ट है। उसके अलावा जब आपको अथॉरिटी लेटर या अन्य किसी तरह दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, वो भी ई खबर डिजिटल मीडिया निःशुल्क देती है। किसी भी तरह का पैसा देकर, पैसा खर्च करके आप एक वैलिड पत्रकार नहीं बन सकते। यह मात्र ऐसा है कि आप अपने साथ धोखाधड़ी, अपने साथ फ्रॉड करने की मंशा रखने वाले लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि जो भी पैसा मांगे उसके साथ ना जुड़े, क्योंकि एक पैसा देकर आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। अच्छा पत्रकार वो होता है जो जन सरोकार की जुड़ी खबरों को, आसपास हो रही घटनाओं को, सूचनाओं को सही समय पर सही माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करे। आप अपने आसपास की घटनाओं को, सूचनाओं को ज्यों का त्यों हमें देंगे, तो सबसे ईमानदारी और विश्वसनीय पत्रकारिता कहलाती है। और आज के समय में ऐसी खबरों की बड़ी तवज्जो दी जाती है, जो छोटी सी छोटी हो, लोकल खबर हो, जिसकी वजह से उसको राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो सके। आपने कई ऐसी खबरें देखी होंगी जिनको हम कवर करते हैं, इतने महत्व की नहीं होती, लेकिन उस देहात में बड़ी बड़ी मीडिया नहीं जाता, उस क्षेत्र में बड़े बड़े पत्रकार नहीं पहुंच पाते। ऐसे में ई खबर डिजिटल मीडिया ही है जो इन खबरों को तवज्जो देता है और आगे बढ़ाता है। और भी अधिक कोई डाउट हो, सुझाव हो, तो आप अपने दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह रजावत को यथासंभव कॉल कर सकते हैं।
8871002710 88710 22710 पर मैं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी यथासंभव मदद करूंगा। देखते रहिए खबर.in। जय हिंद, वंदे मातरम।